विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है बजरंग दल का। हमने आपको बता दें कि कुंजापुरी मेले में जो नरेंद्र नगर में आयोजित हुआ था नवरात्र के मौके पर, तो वहाँ पर जो एक कव्वाली का कार्यक्रम हुआ, अफजल कादरी जो गजल गायक हैं उनके विरोध लगातार उत्तराखंड में जारी है और लव जिहाद में धकेलने का काम बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत हम सुबोध उनियाल को एक इस्लामिक दलाल भी कह सकते हैं। सुबोध उनियाल को जल्दी ही मंत्री पद से बर्खास्त करें और भविष्य में किसी भी प्रकार का टिकट इनको ना दे। फोटो यहाँ पर लगाई गई है, उसी के साथ साथ सुबोध उनियाल की तस्वीर आ रही है, यहाँ पर पुतले के ऊपर दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो इस कारण इस पर आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? नमस्कार, इस समय हरिद्वार के रानीपुर चौक पर मौजूद है और बजरंग दल ने एक बार फिर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है बजरंग दल का। हमने आपको बता दें कि कुंजापुरी मेले में जो नरेंद्र नगर में आयोजित हुआ था नवरात्र के मौके पर, तो वहाँ पर जो एक कव्वाली का कार्यक्रम हुआ, अफजल कादरी जो गजल गायक हैं उनके विरोध लगातार उत्तराखंड में जारी है और आज ये हरिद्वार में दशहरे के अवसर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सरकार मुर्दाबाद बात कर लेते हैं और का प्रयास करते हैं भाई साहब, सरकार मुद्दा पर क्या पूरा मामले में कहना चाहेंगे? नवरात्र के पवित्र महीने में जो पूजा देवी माता है वहाँ पे एक सुबोध उनियाल द्वारा एक जिहादी चांद कादिर द्वारा बढ़ावा देने के लिए उसके तो देख सकते हैं यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर लगाई गई है, उसी के साथ साथ सुबोध उनियाल की तस्वीर आ रही है, तो यहाँ पर पुतले के ऊपर दिखाई दे रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो की दलाली, बंद करो, बंद करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुतले को आग के हवाले कर दिया है, आग लगा दी गई है और विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं जिनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से वहाँ पर एक गजल का कार्यक्रम हुआ और आज लोग आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को लव जिहाद में धकेलने का काम बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत हम सुबोध उनियाल को एक इस्लामिक दलाल भी कह सकते हैं कि जिनके द्वारा एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को कव्वाली करने के लिए मंदिर में बुलाया गया और वहाँ इस्लामिक कव्वाली की गई और एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई जिस तरीके से,
तो एक प्रकार की दादागिरी है। और उत्तराखंड को जहां आज पहाड़ की बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके अंतर्गत सुखोद उनियाल का एक बहुत ही अहम रोल है उसमें कि वो एक प्रकार के इस व्यक्ति को बुलाकर वहां पर बहन बेटियों को लौ जिहाद में धकेलने का कार्य कर रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं। उसी प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आज पुतला दहन किया गया और उसी के अंतर्गत आज हरिद्वार में रानीपुर मोड़ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सुबोध उनियाल को जल्दी ही मंत्री पद से बर्खास्त करे और भविष्य में किसी भी प्रकार का टिकट इनको ना दे। अगर इन्हें किसी भी प्रकार का टिकट दिया जाता है तो बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर इनके विरोध में कार्य करेगा और इनको हराने का कार्य करेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो इस कारण इस पर आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मंदिर के अंदर कव्वाली गाना भी कोई जायज नहीं है। मंदिर के अंदर कोई पीछे का जो पर्दा है वो मस्जिद का पर्दा लगाकर कव्वाली गाई जाती है और गाना गाया जाता है कि मोहम्मद के शहर में, तो इस प्रकार का भी मंदिर में कोई जायज नहीं है। इस प्रकार के भाईचारे के हम बिल्कुल खिलाफ है और हम इस प्रकार का किसी प्रकार के भाईचारे के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विरोध यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कहना है पूरे इस मामले पर? इस मामले में जैसा भाई साहब ने आपको बताया है कि कोई सुबोध उनियाल नाम का भाजपा सरकार का नेता है, उसको मंत्रालय भी दिया हुआ है, वह उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। यह जो उत्तराखंड की संस्कृति है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है, देवभूमि के अंदर इस तरह के कृत्य अगर किए जाएंगे तो यहाँ की जनता जो योगी और मोदी के नाम पर वोट देती है इन जैसे लोगों को, इस तरीके से अगर उनके साथ खिलवाड़ होगा तो आगे भाजपा के ऐसे लोगों को कौन अपना नेता बनाना चाहेगा? तो इसमें बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर किया गया। जो कव्वाली का कार्यक्रम कुंजापुरी मंदिर में जो आयोजित किया गया था, उस पर बजरंग दल जो है आज रानीपुर मोड़ पर दशहरे के अवसर पर ये पुतला देख सकते हैं यहाँ पर जलाया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर आज ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन था वो यहाँ पर करते हुए बजरंग दल के जो सदस्य हैं, जो इनके नेता लोग हैं, वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो अब देखना होगा कि पूरा मामला कितना अतुल पकड़ता हुआ नजर आता है। खास खबर को लेकर हरिद्वार के रानीपुर चौक पर मौजूद थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।